अंदर एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होता हुआ कारण है। यहाँ पर चारों विधानसभा के उम्मीदवार आने वाले हैं। ये देख सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा कारण है। इस बार एमपी में और ज्यादा बहुमत से जीतने वाले हैं यहाँ के चारों विधानसभा के उम्मीदवार। ये देखिए संजू भैया का जयकारा लगाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। जनता दीदी जिंदाबाद, जनता दीदी जिंदाबाद, जनता दीदी जिंदाबाद, जनता दीदी जिंदाबाद। ये देखिए प्रियंका दीदी का प्रचार करते हुए ये चाचौड़ा के निवासी हैं और प्रियंका पेजी जी का समर्थन करते हुए यहाँ पर दूर दूर से कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं। ये बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन है। ओके बहुत बहुत थैंक यू। लीजिए परिवर्तन को अपनाते हुए मैं पूछने की कोशिश करूंगा, सर जी कांग्रेस पार्टी से हैं आप जी और आज बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं जी, क्या कारण है? कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी मौका प्रस्त लोगों को मौका देती है और बमौरी विधानसभा से जिसको टिकट दिया है ऋषि अग्रवाल कन्हैयालाल, इनने पिछले 5 साल गरीब लोगों के साथ उनकी जमीनों में प्लांटेशन लगाई, उनके साथ शोषण किया और कायमिए करवाई उनपे 302-307 के उनके कार्ड से बहुत ज्यादा प्रभावित है आप, इसीलिए उनके कार्ड से बहुत ज्यादा प्रभावित है और इसीलिए बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं जी जी। उनने बहुत ज्यादा विकास किया है, बमौरी विधानसभा में घर घर सड़कें लगा दी है उनने, ट्रांसफार्मर और देखा जाए तो राधुगढ़ से ज्यादा विकास हमारी बमौरी विधानसभा में देखा जाता है अभी। बहुत ज्यादा धन्यवाद। यहाँ पर ये देखिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे और आज मन बना कर बैठे हैं कि बीजेपी को ज्वाइन करेंगे और संजू भैया के विकास से बहुत ज्यादा प्रभावित है, ये देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और संजू सिसोदिया जी ने, मंत्री जी ने हमारे ने बहुत अच्छा विकास सभी लोगों के साथ शांति पूर्वक से बमौरी विधानसभा के 5 साल निकाले, सबको एक साथ लेके चले, शांति का माहौल बना रखा उन लोगों ने। और इसी के पहले पूर्व में कन्हैयालाल मंत्री थे ऋषि अग्रवाल, उनने सभी व्यक्तिगत गांव गांव में शांति फैलाई, शोषण किया लोगों के साथ, बड़े बड़े प्रकरण दर्ज कराए उन लोगों ने और विकास जीरो विकास किया उन्होंने उस समय। बहुत आज धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू। ये देखिए बीजेपी का तारीफ करते हुए कांग्रेस की बुराई करते हुए ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहले बहुत ज्यादा नाराज हैं और प्रभावित हैं बीजेपी की विकास की योजना से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लीजिए ये प्रताप छात्रावास का दृश्य दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता एकत्रित होते हुए कारण है एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। सर जी कितनी देर से यहाँ पर आदरणीय मंत्री जी आने वाले हैं? 15 मिनट के अंदर हमारे मंत्री जी और हमारे सारे प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत जल्द से जल्द यहाँ पधारने वाले हैं और फिर एक काफले के साथ एक जुलूस के साथ हम लोग कलेक्टेड नामांकन दाखिल करने के लिए पूरे कार्यकर्ता जाएंगे, सभी कार्यकर्ता जाएंगे। कितना ज्यादा मतलब पब्लिक यहाँ पर आने वाला है? यहाँ पे 25,000 से 30,000 पब्लिक आने वाली, 25,000 से 30,000 बीजेपी के कार्यकर्ता ये प्रताप छात्रावास के अंदर एकत्रित होने वाले हैं, ऐसा कहना बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं ये। बहुत ज्यादा धन्यवाद कहूँगा, बहुत बहुत थैंक यू। देख लीजिए आज प्रताप छात्रावास लेकर आया हूँ, यहाँ पर देख सकता है आपको एक भगवा नजर आ रहा होगा यहाँ पर पीली पीली टोपी में, ये सभी लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और यहाँ काफी तादाद में एकत्रित होते हुए एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। ये देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये आज प्रताप छात्रावास का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर काफी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता एकत्रित होते हुए कारण है बहुत ही बड़ा एक कार्यक्रम होने वाला है। सर जी थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मैं जगवीर सिंह चौहान, सरपंच सकतपुर। और यहाँ कार्यक्रम में आए हैं? यहाँ पूरे क्या कहेंगे ग्रामीण के लोग आए, बस यही संदेश देंगे
कि अच्छा विकास हो रहा है, अच्छे काम हो रहा है, सभी लोग भाजपा को वोट दें। जी देख लीजिए, अच्छा विकास हो रहा है और सभी लोग बीजेपी को वोट दें, ऐसी अपील करते हुए ये बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा जोश के साथ भरे हुए हैं। कारण है एक बहुत ही ज्यादा भव्य कार्यक्रम ये प्रताप छात्रावास के अंदर किया जा रहा है। बने रहिएगा वीडियो में, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा विद्या सुरेंद्र ब्लॉग को। एक सुंदर वीडियो देने के लिए यहाँ गुना सिटी आया हुआ हूँ। आज आपको एक सुंदर, ये देखिए, भगवा टोपी पहने हुए दूर दूर से कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम आदर्श पार्टी है। और यहाँ पर संजू सिसोदिया जी के लिए आए हैं और उनका हाथ, मतलब कह सकते हैं, साथ देने के लिए। क्या कहेंगे? साथ देंगे भैया, संजू भैया है, संजू भैया का साथ देने के लिए यहाँ पर दूर दूर से कार्यकर्ता आते हुए। ये देख सकते हैं आप, एक प्रताप छात्रावास के अंदर भगवा रंग लहराता हुआ और टोपी पहने हुए, कह सकते हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक बहुत ही ज्यादा जोश है। यहाँ पर काफी तादाद में बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। संजू सिसोदिया जी आने वाले हैं, प्रियंका पैची जी आ गई हैं, पन्नालाल साख जी आ गए हैं और यहाँ पर राधोगढ़ के हीरेंद्र सिंह पंटी जी आने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो में, आज आपको एक सुंदर वीडियो देने के लिए यहाँ गुना सिटी आया हुआ हूँ। हैं एक अनुभव और एक देश का भविष्य, बीजेपी का भविष्य बनता हुआ ये बच्चा देख सकते हैं, बीजेपी की वह, मतलब कह सकते हैं, कार्यक्रम का हिस्सा बनता हुआ ये एक दिन देश का भविष्य बनेगा। और अभी ये देखिए, बीजेपी का भविष्य बनता हुआ। बहुत बहुत थैंक यू। तरह तरह के रंग आपको दिखाने वाला हूँ आज इस कार्यक्रम के अंदर। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं और कैसे यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न होने वाला है, मैं आपको दिखाता रहूंगा। बने रहिएगा वीडियो में। बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर ये प्रताप छात्रावास के अंदर आते हुए। सर जी, आज बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जब तक आपके सामने कार्यक्रम चल रहा है, सर रोज सीट जीतेंगे विधानसभा की, गुना जिला चारों सीट जीतेंगे। ये देखिए, कांग्रेस मुक्त गुना बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ के सांसद साहब कांग्रेस मुक्त गुना बनाते हुए बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर छोड़ेंगे। इस बार 50,000 यहाँ आने वाले हैं, हमारे रावगढ़ के प्रत्याशी आदिवासी बहने बेटी है, जो मेरे क्षेत्र की बहने बेटी है, इनके घरों को हमने उज्जवल बनाया, इनके घरों के लिए सुंदर बनाने का काम किया और 5,000 से 6,000 आवास लाने के काम किए। तो महेंद्र सिंह सिसोदिया पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री होने के नाते कर पाए, हमारे चारों प्रत्याशियों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के और देश को नेतृत्व को बधाई देता हूँ। आपने ऐसे सुंदर, ऐसे शानदार प्रत्याशी चुने और बंधुओं, धर्म के क्षेत्र में यदि हम बात करेंगे, हमारे सलूजा जी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे सलूजा जी को जब भगवान ने अवसर दिया जनप्रतिनिधि बनने के लिए, लेकिन वो तो एक गलती हो गई, और वो गलती केवल मेरी गलती नहीं थी, मैं क्षमा चाहता हूँ सलूजा जी, आज आप यदि यहाँ पर बैठे हो तो वो मेरे अधिकारों की लड़ाई थी, इसलिए वो गलती नहीं होगी। वो मनवीर होते हैं, हो सके तो लाज छपियों की वो रणवीर होते हैं। ऐसे हमारे मंत्री जी किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते। हमारे मंत्री जी के बदले में बताता हूँ, एक दिन मैं उनके घर पे कहा था, एक बहन अपने जरा से बच्चे को लेकर आई और वो बहन कह रही थी, भैया मेरे को मंत्री की सहयोग राशि अभी तक नहीं आई। मंत्री जी ने कहा, मेरी बहन चिंता मत कर, वो राशि तेरे खाते में जाएगी, लेकिन तेरे बेटा को लेकर तू नहीं आई है। अपने लोगों से कहा कि बहन की मदद कर लीजिए। ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कोई सच्चे उनके मंत्री है, ऐसे हमारे संजू भैया है। संजू भैया ने एक नहीं हजारों लोगों के इलाज करवाए, एक नहीं हजारों लोगों की। यहाँ पर दूर दूर से कार्यकर्ता एकत्रित होते हुए मैं पूछने की कोशिश करूंगा, पहले तो अपना शुभ नाम बताइए। संजू सरपंच। कहाँ से हैं? मैं गुना से। और यहाँ किसका समर्थन कर रहे हैं? महेंद्र सिंह सिसोदिया, संजू भैया। संजू भैया कितने वोटों से जीतेंगे? 50,000 से ऊपर वोटों जीतेंगे। 60,000 से ऊपर वोटों से जीतने वाले हैं, ऐसा कहना हमारे सरपंच साहब का। यहाँ पर देखिए, बताइए कहाँ से आए हैं? और संजू भैया का समर्थन करने आए हैं, क्या कहेंगे? कहेंगे
बहुत ज्यादा सभी का ऐसा कहना, बोलिए क्या कहेंगे? संजू भैया 50,000 वोटों से ऊपर जीतेंगे, उनने विकास किया है बमोरी विधानसभा में। कौन सी जगह से हैं आप? बमोरी से, बमोरी विधानसभा से। बमोरी विधानसभा से हैं और विकास की गंगा बहाई है संजू सिसोदिया जी ने? बहुत बहाई है, बहुत बहाई है, ऐसा कहना बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देख लीजिए यहाँ पर प्रताप छात्रावास के अंदर यहाँ पर बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता एकत्रित होते हुए। मैं पूछने की कोशिश करूंगा, शुभ नाम बताइए अपना। मेरा नाम कृष्ण कुमार भार्गव है, ग्राम म्याना का रहने वाला हूँ, हमारी विधानसभा का हूँ। और यहाँ आए हुए हैं? हाँ जहाँ आए हुए हैं। किसका समर्थन करने वाले हैं? समर्थन तो आपको सबको मालूम है, सारे देश को मालूम है, जिसने राम मंदिर बनाया, लाडली लक्ष्मी योजना चलाई, वो मध्य प्रदेश में बहुत समर्थन है कि भारतीय जनता पार्टी 155 सीट लेके आ रही है। 155 सीट लेके आ रही है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कहना बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का कारण है। बहुत ज्यादा जोश है यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, क्या कहेंगे? 155 आपको दिखा रहा है, जो आपको साक्षात दिखाया जा रहा है, देखिए इधर लगाइए आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है और बमोरी विधानसभा लाखों की तादाद में कार्यकर्ता आए हुए हैं यहाँ पर, माता है बहन है। आप देखिए हमारे संजू भैया 50,000 नहीं, अगली बार का रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम 70,000। पानी पानी की कैसी व्यवस्था है? पानी आ चुके हैं, टैंकर आ चुके हैं, पानी की पानी भी है, खाना भी है, जब कमल का फूल है, पाउच भी रखी है। कहाँ पर है, कहाँ पर है? ये देखिए यहाँ पर सभी चीजों की व्यवस्था है, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बहुत ज्यादा व्यवस्था की है। धन्यवाद। गले लग रहे हैं, क्या कारण है? आप बताइए पहले, आप गले लगे हैं, क्या कारण है? देखिए यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ही ज्यादा तादाद में एकत्रित होते हुए और यहाँ पर गले लगते हुए, क्या कारण है? ऐसा नहीं, क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा पब्लिक यहाँ पर एकत्रित हो रही है। संजू भैया के दीवाने हैं, अभी तो और देखते जाओ, धीरे धीरे होता है क्या, धीरे धीरे होता है क्या, ऐसा कहते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता, कारण है यहाँ पर बहुत ज्यादा पब्लिक का जमावड़ा होने वाला है। देखिए जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद संजू भैया, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद संजू भैया, संजू भैया। ये यहाँ पर बीजेपी का कार्यक्रम चलता हुआ और पानी की पाउच खत्म हो गई है। मेरा निवेदन है यहाँ के कार्यकर्ताओं से कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था की जाए, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा प्यासे हैं और काफी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता पानी की पाउच को मांगते हुए। बताइए प्यास लग रही है क्या? प्यास लग रही है, प्यास लग रही है। यहाँ पर काफी दूर दूर से कार्यकर्ता है, मैं भी कोशिश करता हूँ यहाँ पर पानी की पाउच की व्यवस्था करने की। देश के विकास को समर्थन। बताइए कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से आए हैं। और यहाँ अंदर क्यों नहीं बैठे हैं, यहाँ क्यों बैठे हैं? जा रहे हैं पानी पीने। ये देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद को ग्राम को भरते हुए यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर एकत्रित होते हुए। देखिए यहाँ पर दूर दूर से कार्यकर्ता बहुत ज्यादा तादाद में। सर जी कहाँ से आए हैं? बताइए कहाँ से आए हैं? 2019 में करवा दिया यार, इस सवाल के मारे नहीं दे रहा है, मैं बाद में खबर करता हूँ। अलौकिक बनके तैयार हो चुका है। मैं उन कांग्रेसियों से कहना चाहता हूँ, अरे हमारे इलाके कांग्रेसी है, बताइए पहले तो अपना शुभ नाम बताइए। रघुवीर सिंह तोमर। कहाँ से आए हैं? खड़गपुर पंचायत से। और यहाँ पर क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा पब्लिक का जमावड़ा हो रहा है। संजू भैया जिंदाबाद हैं। संजू भैया का समर्थन करने आए हैं? संजू भैया ना कोई दिक्कत नहीं, वोटों से जीतेंगे, वोटों से जीतेंगे। और ये देखिए यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा तादाद में एकत्रित होते हुए संजू भैया का समर्थन करते हुए। भैया जिंदाबाद।
अलग ही रूप मिल जाएगा। ये देखिए भगवा टोपी है और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। इधर जी क्या कहेंगे आज इस सम्मेलन को देखकर? साल महाकुंभ है, भारतीय जनता पार्टी जन स्थिति पार्टी है, लोगों के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर कार्य करने में विश्वास रखती है। और आप देख रहे हैं आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और ये विशाल भव्य रूप में आप जन सैलाब देख रहे हैं। कुछ ही समय बाद यहाँ से एक रैली के रूप में निर्वाचन कार्यालय जाकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बहुत धन्यवाद कहूंगा सर जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं और टोपी वगैरह लगाकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, महाराजा सिंधिया जिंदाबाद। और हम आज विशाल जन समुदाय के साथ चारों प्रत्याशी चारों विधानसभाओं से प्रारंभ करने जा रहे हैं और चारों ही विधानसभा में विजयी हासिल होगी। और भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ से आए हैं? पाटन से। और क्या कहेंगे? क्या कहेंगे संजू भैया? जिंदाबाद 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 कहते हुए यहाँ पर बीजेपी के युवा कार्यकर्ता कारण है इस बार बदलाव करने वाले हैं। और पाटाई फतेहपुर और पाटाई देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देख सकते हैं आप प्रताप छात्रावास के अंदर यहाँ पर मेला सा लगता हुआ, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है और एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। यहाँ पर बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। ये देख सकते हैं सफेद कुर्ता और पीला ये गमछा देख सकते हैं, बीजेपी की निशानी है। यहाँ प्रताप छात्रावास में बताइए, पहले तो अपना शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम है सीताराम शर्मा, सिरसी का रहने वाला हूँ। पर प्रताप छात्रावास में एक मतलब पैसे जानने की कोशिश करूंगा, पहले तो शुभ नाम बताइए अपना। मेरा है सीताराम शर्मा, सिरसी। और क्या कहना चाहते हैं? मैं संजू भैया का बहुत बहुत आभारी हूँ और मुझे बहुत जो जीवन है उन्होंने दिया है। क्या किया है उन्होंने आपके? मेरी मदद की, ऑपरेशन करवाया। संजू सिसोदिया जी ने आपकी मदद की है और आज कार्यक्रम में आए हैं, क्या कहेंगे? मैं आज उनको धन्यवाद देने आया हूँ और जीतेंगे बहुत वोटों से। बहुत ज्यादा धन्यवाद कहेंगे? बहुत ज्यादा। और नेता कैसे हैं संजू सिसोदिया जी? गरीबों के मसीहा हैं। गरीबों के मसीहा हैं। ये देखिए गरीबों के मसीहा हैं संजू सिसोदिया जी, ऐसा कहना इनकी थोड़ी सी मदद की है उसी का कारण है यहाँ पर ये थोड़ी तारीफ करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मिलवा रहा हूँ मैं आपको प्रियंका पैथी चाचोड़ा से, कट्टर समर्थक। कट्टर समर्थक मतलब ये देख सकते हैं जेब पे मोनू लगाए हुए हैं। बताइए अपना शुभ नाम बताइए। दीपक मीना। क्या नाम है? दीपक मीना। और कहाँ से हैं? कुमराज। और क्या कन्याएं हैं यहाँ प्रताप छात्रावास के अंदर? प्रियंका दीदी का नामांकन। प्रियंका पैची जी का नामांकन यहाँ पर होने वाला है और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर दूर दूर से कार्यकर्ता एकत्रित होते हुए, कारण है एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। ये प्रताप छात्रावास का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं पब्लिक का जमावड़ा। यहाँ पर काफी तादाद में लोग एकत्रित होते हुए कहाँ से आए हैं? ग्राम पंचायत गढ़रा। और यहाँ सुनने आए हैं? सुनने नहीं आए। किसको सुनने आए हैं? किसको सुनने आए हैं? संजू भैया का फार्म भरवाने आए हैं। संजू भैया का फार्म भरवाने यहाँ पर। संजू भैया, संजू भैया, ये देखिए यहाँ पर ये आ गए हैं। इनका चेहरा आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा फेमस व्यक्ति हैं ये। न्यायालय से आए हैं महाराज, 50,000 से ज्यादा से जीतेंगे। देखिए जनता का बाहुल्य, जनता का त्याग तपस्या। भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया कि मेरे सर में इतने बाल नहीं है। दूसरा डायलॉग बोलिए, ये डायलॉग मैं आपका ले चुका हूँ। देखिए जनता का काम ना होता तो जनता कैसे सकलती? जनता राम राज हो रहा है, सारी योजनाएं चल रही हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार बहुत अच्छा काम करती हुई यहाँ दूर दूर से 50,000 वोटों से संजू सिसोदिया जी जीतने वाले हैं। कहाँ से आए हैं? नाना मैम। और संजू सिसोदिया जी के लिए आए हैं और क्या? चलिए ठीक है।
बीजेपी के कार्यकर्ता दूर दूर से यहाँ पर आते हुए, ये देखिए सर जी कहाँ से आए हैं और कितने कार्यकर्ताओं के साथ आए हैं? कार्यकर्ताओं से ज्यादा। ये देखिए यहाँ पर करीब 100-200 के कार्यकर्ताओं के जत्ते के साथ यहाँ पर लोग आते हुए, कारण है ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हो रहा है बीजेपी के द्वारा यहाँ पर। ये प्रताप छात्रावास का दृश्य दिखा सकता हूँ मैं आपको, अभी कुर्सियाँ खाली है लेकिन अभी आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा जमाव लगने वाला है लोगों का। क्या कहेंगे? इस बार पूर्ण बहुमत के साथ हमारी भाजपा सरकार आ रही है। भाजपा यहाँ पे चारों विधानसभाओं में, चारों की चारों सीट यहाँ की। मैं कांग्रेस को कहना चाहूंगा कि वो अपनी घर की सीट और जिसको वो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी राधोगढ़ भी नहीं बचा पा रहे हैं। हीरेन्द्र बनाजी बहुत ही अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। और चूंकि रही बात बमोरी की, बमोरी में तो माननीय मंत्री संजू सिसोदिया जी जीतते आ रहे हैं और दोबारा से जीतेंगे। जो प्रत्याशी आज उनके सामने, उनके पिता को वो दो बार हरा चुके हैं और इस बार भी बहुत अच्छे बहुमतों से, पिछली बार 53 से जीते थे, इस बार 75,000 की जीत संजीव भैया की। ये मतलब कह सकते हैं कार्यकर्ताओं का बहुत ज्यादा जोश है, उसी का कारण है कि ये देखिए यहाँ पर 75,000-80,000 से संजू सिसोदिया जी को विजय करते हुए और यहाँ की चारों विधानसभा को जीत का संकल्प लेते हुए ये बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ही ज्यादा जोश से भरे हुए हैं। ये देख सकते हैं लाल भगवा टोपी और इसका परिणाम आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। जय भाजपा, जय भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देख सकते हैं आप बीजेपी के बड़े बड़े सम्मानीय कार्यकर्ता ये प्रताप छात्रावास की ओर जाते हुए, ये योगेंद्र लुम्बा जी हैं और यहाँ से जाते हुए कारण है एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम प्रताप छात्रावास के अंदर किया जा रहा है। चलिए प्रताप छात्रावास के अंदर काफी तादाद में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता आते हुए। सर जी थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना। हम ग्राम जागर से आए हैं, संजू भैया के समर्थक। कहाँ से आए हैं? ग्राम जागर से, म्याना से आए हैं। यहाँ पर संजू जी के लिए आए हैं क्या? और क्या, और क्या कहेंगे? संजू भैया भारी मतों से विजयी हो रहे हैं बमोरी विधानसभा से, उनकी टक्कर में कोई नहीं है, उनकी टक्कर में कोई नहीं है। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा जोश से भरे हुए हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर टोपी लगाए हुए हैं। ये देखिए टोपी लगा के थोड़ा सा खिसकते हुए क्यों खिसक रहे हैं बताइए, किसके लिए आए हैं? संजू भैया, संजू भैया के लिए आए हैं। यहाँ पर दूर दूर से कार्यकर्ता आते हुए, आप आए हुए हैं यहाँ पर प्रताप छात्रावास में, क्या कहेंगे? विकास किया है क्या संजू भैया ने? अभी तक बमोरी में नहीं हुआ, अभी तक जब से बमोरी विधानसभा अस्तित्व में आई है, जब से अभी तक 50 साल या 60 साल से अभी तक नहीं हुआ। 60,000 लोगों का तो इलाज करा और इस बार फिर उनका समर्थन करने वाले हैं क्या आप? क्यों नहीं बनता, फिर जीतने वाले हैं। कितने वोटों से जीतेंगे? 60,000 वोटों से जीतने वाले हैं यहाँ पर संजू सिसोदिया जी, ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ता जो भी ज्यादा दूर दूर से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखने को मिला है, ये देख लीजिए बीजेपी के बड़े बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर काफी तादाद में आते हुए। ये देख सकते हैं ये प्रताप छात्रावास का दृश्य है। मेरे ऊपर भी प्रभु श्री राम की कृपा थी और वो अपने भक्त का मंदिर बनवाना थी आपके द्वारा। ये विधि का विधान होता है, ये विधि का विधान होता है, उस विधि के विधान के कारण सारे सिस्टम होते हैं और हमारे मन के अंदर कोई भी मैल नहीं है। सलूजा जी मेरे बड़े भाई है, मैं उनका छोटा भाई हूँ, अनुज हूँ, उनका सेवक हूँ। मुझे दुख नहीं हो रहा इस बात का, मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि हनुमान जी महाराज को भी प्रसन्नता हो रही होगी कि मेरा भक्त है जो देश जेल तो भरा लेकिन मेरे भक्त के लिए मंदिर निर्माण कर के
देखिए यहाँ पर कितनी ज्यादा बसें रखी हुई हैं। यहीं से एक कार्यकर्ता एकत्रित होते हुए यहाँ से दूर दूर से एक कार्यकर्ता यहाँ पर लाए गए हैं ये बसों के द्वारा। देख सकते हैं काफी तादाद में यहाँ पर बस रखी हुई है, काफी दूर दूर से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को लाया गया है। देखिए काफी दूर दूर से यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं, कौन से गांव से आए हैं? सॉरी सॉरी बताइए सर जी, शुभ नाम बताइए अपना। हाँ, मेरा नाम है साहब ओम प्रकाश ओझा, मैं फतेहगढ़ का रहने वाला हूँ और बीजेपी से बिलोंग करता हूँ मैं। और यहाँ कितने कार्यकर्ताओं के साथ आए हैं? मैं ओझा समाज के 12 कार्यकर्ताओं के साथ आया हूँ। ओझा समाज के हमारे अध्यक्ष महोदय आए हैं श्री हरगोविंद जी ओझा। ये देखिए यहाँ पर बीजेपी की पत्तियों को बांटते हुए यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता एक भगवा रंग को पहनाते हुए, ये बीजेपी का सम्मान है। ये देखिए बताइए कौन से गांव से आई हैं, कौन से गांव से आई हैं और खाने पीने की क्या व्यवस्था है? लेके आई है तो यहाँ से मिलेगा खाना? लेके आई है, कौन ने दिया था? आप घर से लेके आई है क्या? उम्र का तकाजा है फिर भी यहाँ पर बीजेपी का मतलब कह सकते हैं कार्यक्रम देखने आए हैं। ये देखिए करीब 90 साल उम्र होगी लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। उसी का कारण है यहाँ पर काफी तादाद में एकत्रित होते हुए। जी भले ही थोड़ा सा अपंग है, यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर कहाँ से आए हैं आप? खेराई से साहब। और यहाँ सुनने आए हैं संजू सिसोदिया जी को? हाँ जी। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या? जी साहब। और कार्यक्रम में सब अन्य आए हैं? हाँ जी। कोई खाने पीने की व्यवस्था हो गई है क्या? हो गई है साहब। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं है साहब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए पहले तो शुभ नाम बताइए अपना, कहाँ से हैं? पिपलिया से। और यहाँ आए हैं कार्यक्रम में? हाँ। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, कार्यकर्ता है ना। तो फिर है ना कार्यकर्ता है? हाँ। यहाँ पर संजीव सिसोदिया जी को सुनने आए हैं? हाँ। बीजेपी को वोट करते हैं क्या? हाँ। यहाँ पर देख लीजिए कार्यकर्ता भले ही किसी चीज से वंचित हों लेकिन यहाँ पर संजीव सिसोदिया जी को सुनने के लिए यहाँ पर बहुत दूर दूर से कार्यकर्ता आते हुए। ओके बहुत बहुत थैंक यू। ये कहाँ से आए हैं? पिपलिया से। और आज यहाँ बीजेपी के कार्यक्रम में आए हैं? बीजेपी कार्यक्रम में आए हैं, बमोरी क्षेत्र से आए। बमोरी क्षेत्र से आए हैं संजू जी का हाथ मजबूत करने के लिए? मजबूत करने के लिए। क्या कहेंगे? बीजेपी में वोट देंगे, बीजेपी का एक कार्य करेंगे। बीजेपी वालों ने जो काम किया है अभी तक जो किसी ने नहीं किया, ये देख लीजिए बीजेपी के 70 साल के बाद में वो काम करने जा रही बीजेपी जो किसी ने नहीं कर सका, जो बीजेपी करने जा रही है। बहुत ज्यादा विकास किया है, बहुत ज्यादा विकास किया। लालनी बहना योजना चलाई है और भी कई योजना चलाई है, घरा घर पैसे देने जाते हैं ये बीजेपी सरकार, और भी कई काम कर रहे हैं, रोड खुड़ंजा बनवा रहे हैं, नलकूप दे रहे हैं, सारा देख काम लीजिए। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, जोश से भरे हुए हैं और उसी का कारण है यहाँ पर जवाब देते हुए कारण है संजू सिसोदिया जी ने विकास की गंगा बहाई है एमपी के अंदर और उसी का उदाहरण है ये बीजेपी के कार्यकर्ता जवाब देते हुए। बहुत बहुत थैंक यू। देख लीजिए संजू सिसोदिया जी के कार्यक्रम में यहाँ पर महिला वर्ग का आना हुआ है। मैं पूछने की कोशिश करूँगा बताइए कौन से गांव से आए हैं? रायपुर से। और आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? कौन है आप आए हैं, कौन लेके आया है आपको? सरपंच साहब। सरपंच साहब लाए हैं? क्या कहा है संजू सिसोदिया जी के कार्यक्रम में? खड़गपुर से। खड़गपुर से आए हैं, कौन लाया है आपको? वे लाए हैं सरपंच साहब। क्या कहा है? क्या कहें, चलो प्रोग्राम प्रोग्राम में। और खाने पीने की व्यवस्था क्या की है? करिए सब व्यवस्था की है। आप खाना लेकर आए हैं कि यहाँ खाएंगे? नहीं, यहीं खाएंगे, यहीं खाएंगे, यहीं व्यवस्था की गई है। कितने लोग आए हैं आप? एक बस आई है। एक बस आई है, एक और आई है। एक और आई है, कौन से गाँव से? खड़गपुर। खड़गपुर से आए हैं, कितने लोग होंगे लगभग? अब देख लो दो बचन। सरपंच साहब का क्या नाम है? बाबला जामला मेरा है। और क्या कहा उन्होंने? चलिए कार्यक्रम में
ये देखिए यहाँ पर खड़गपुर से बहुत ज्यादा निवासी आए हुए हैं संजू सिसोदिया जी के कार्यक्रम में, और यहाँ पर काफी तादाद में लोग आते हुए बताइए कहाँ से आए हैं? यहाँ पर कार्यक्रम में आए हैं? कार्यक्रम में आए हैं। किसने कहा था कि कार्यक्रम हो रहा है गुना में? कौन ने बताया था आपको? सरपंच साहब ने कहा है। क्या नाम है सरपंच साहब का? सरपंच साहब कवल सिंह। अच्छा अच्छा, उन्होंने कहा है। यहाँ पर सरपंच बीजेपी के हैं क्या? वो सरपंच साहब बीजेपी के हैं? हाँ बीजेपी के हैं। चलिए चलिए, खाने पीने की व्यवस्था सही है क्या? मिला है खाना पीना? मिला है। चलिए ठीक है, बताइए कौन से गांव से आए हैं? और यहाँ पर संजू जी के कार्यक्रम में आए हैं? कौन लाया है आपको? सरपंच। सरपंच साहब लाए हैं। क्या नाम है सरपंच साहब का? हेलो हेलो, बताइए थोड़ा नाम बताइए कहाँ से आए हैं? विनोद बारालाल उदयपुरी से। और यहाँ पर भोजन कर रहे हैं? हाँ। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल। भोजन कहाँ से लाए हैं? भोजन हमारे घर से लाए। घर से लाए हैं? हाँ। यहाँ पर तो व्यवस्था की गई है ना भोजन वगैरह की? नहीं, उधर से नहीं, नहीं मिला है आपको। यहाँ पर देख लीजिए बीजेपी के कार्यकर्ता भोजन करते हुए ये अपने घर से भोजन लाए हैं। हालांकि यहाँ पर व्यवस्था की गई है भोजन की, मैं देखूंगा कहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये देखिए भोजन करते हुए बीजेपी के गांव के कार्यकर्ता, यहाँ के मतलब कह सकते हैं यहाँ दूर दूर से कार्यकर्ता एकत्रित होने वाले हैं। बीजेपी के दूर दूर से बड़े बड़े सम्माननीय कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में हिस्सा बनते हुए। सर जी थोड़ा सा परिचय दीजिए। बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे गुना जिले के चारों प्रत्याशियों का नामांकन होगा जो प्रताप छात्रावास से थोड़े ही समय में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचेगा, यहाँ चारों प्रत्याशी नामांकन करेंगे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में। और बहुत ज्यादा पब्लिक आने वाली है? कितने ज्यादा संख्या में लोग आने वाले हैं? हाँ, करीब जो है ना अच्छी खासी संख्या में पब्लिक आने वाली है, करीब 20,000 यहाँ पर संख्या रहेगी कार्यकर्ताओं की। चारों विधानसभाओं से कार्यकर्ता आएंगे? चारों विधानसभाओं से कार्यकर्ता आ रहे हैं। ये देख लीजिए चारों विधानसभा से कार्यकर्ता। सर जी थोड़ा सा शुभ नाम और बता दीजिए अपना। आर्यन यादव, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। देख लीजिए जिला उपाध्यक्ष हैं और यहाँ पर जानकारी देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी कैसा हो ऐसे नहीं तरीके से। थैंक यू। ये देख सकते हैं प्रताप छात्रावास का दृश्य। यहाँ पर काफी तादाद में वीडियो यहाँ पर लोग आते हुए सर जी आज कार्यक्रम में आए हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल बीजेपी की जीत होगी सर, बीजेपी की जीत। हम बंटी वाना की तरफ से हम उन्हें सपोर्ट करने आए हैं। ये देखिए बीजेपी का सपोर्ट करने आए हैं, यहाँ पर काफी तादाद में दूर दूर से कार्यकर्ता एकत्रित होते हुए। कारण है एक बहुत ही ज्यादा भव्य कार्यक्रम ये प्रताप छात्रावास के अंदर कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर महिलाएं आती हुई, कौन से गांव से आई हैं आप?
जनता का। ये देखिए यहाँ पर एक काफी तादाद में कौन से गांव से आए हैं? गौपुरी पंचायत से। और यहाँ पर संजू सिसोदिया जी के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? कार्यक्रम करें, आज फार्म डालवाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। ये देखिए यहाँ पर काफी तादाद में लोग एकत्रित होते हुए करीब करीब 40-50 हजार बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ आने वाले हैं। ये प्रताप छात्रावास का दृश्य दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर गाड़ियों का एक काफिला देख सकते हैं आप। बताइए कौन से गांव से आई है और यहाँ पर संजू सिसोदिया जी के आई हैं क्या? किसके लिए आए हैं? ये शाखा के लिए आए हैं। पैसे, पैसे कौन नहीं, पैसे कौन नहीं लाया है आपको? क्या खुद आए हैं आप? खुद नहीं आए, संजू भाई साहब लाए, सरपंच संजू भैया के सरपंच साहब आए हैं क्या? आगे वो ही लेके आए हैं आपको। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जाइए। ये दोस्तों ले आया हूँ मैं आपको प्रताप छात्रावास के अंदर, और यहाँ पर बीजेपी का बहुत ही बड़ा एक कार्यक्रम होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं लाखों की तादाद में कार्यकर्ता एकत्रित होने वाले हैं। मैं पूछने की कोशिश करूंगा क्या कार्यक्रम है, कितने लोग आने वाले हैं। सर जी थोड़ा पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मुकेश भार्गव है, मैं बमोरी विधानसभा से हूँ, और आज माननीय मंत्री जी और 3 प्रत्याशी और गुना रावगढ़ चाचोड़ा के प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, और जहाँ पे कम से कम 30-40 हजार की जनता आने वाली है माननीय के समर्थन में और सभी भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में। और यहाँ से नामांकन भरने जाएंगे जी? यहाँ से ये इसी वाहन से जाएंगे क्या? इसी वाहन से जाएंगे, और जहाँ से पहले सभा करेंगे, जनता को संबोधित करने के बाद माननीय सीधा कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये देख लीजिए, मतलब कह सकते हैं करीब करीब 30-40 हजार की संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता चारों विधानसभा के यहाँ पर आने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो में, और आज आपको एक सुंदर वीडियो देने वाला हूँ। ये प्रताप छात्रावास का दृश्य दिखा रहा हूँ, देखिए बीजेपी का ऊंचा पताका लहराता हुआ। आज बहुत बड़ा दिन है गुना सिटी के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं संजू सिसोदिया जी आने वाले हैं, प्रियंका पैची आने वाली हैं, पन्नालाल साक्की जी आने वाले हैं, और हीरेंद्र सिंह बंटी जो कि राधोगढ़ से उम्मीदवार हैं वो भी आने वाले हैं, और चारों विधानसभा के बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।